सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं आपके YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा WhatsApp से रिलेटेड। अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो अब आप अपने दोस्तों को कैसे WhatsApp पे स्टिकर भेज सकते हैं और इमोजीज भेज सकते हैं, और वो स्टिकर आप खुद से बना सकते हैं, इवन आप खुद अपना स्टिकर बना सकते हैं। और हाल ही में अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को सभी को अब खुद से बनाए हुए स्टिकर्स को भेज सकते हैं। तो कैसे भेजें ये जानने के लिए मेरे वीडियोस को पूरा एंड तक हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा तहे दिल से, और आप सभी के फैमिली वालों को भी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जल्द से जल्द जाएं और मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, और आपको सर्च करना है न्यू ईयर स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है और इसे डाउनलोड भी कर लिया है, इसीलिए मैं इसे जस्ट ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। तो ओपन कर लेना, और यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर आएंगे न्यू ईयर्स की, आपको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे ऐड वाला आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लेना। जैसे कि मैं इस वाला बाय 2018 इसको मैं ऐड किया हूँ, और ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला स्टिकर पैक, तो इसको भी ऐड कर ले रहा हूँ। देखते हैं, मैं इसको आपके सामने ऐड कर रहा हूँ और ये ऐड हो चुका। अब हम अपना व्हाट्सएप पे जाते हैं और व्हाट्सएप आपको खोल के दिखाते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप है, और यहाँ पे माय जियो पे गए, और जाने के बाद आपको यहाँ पे इस इमोजी आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे ये जो देख रहे हैं नीचे में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये वाला न्यू ईयर का आइकॉन, स्टिकर आइकॉन आ चुका है। तो इससे आप भेज सकते हैं कोई भी स्टिकर 2019 का। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अलावा आप चाहें तो आप खुद की ये स्टिकर्स बना सकते हैं, तो ये मैंने खुद से स्टिकर बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे आप खुद से स्टिकर बना, तो इसका थोड़ा अलग प्रोसेस है, इसके लिए आपको दूसरा ऐप्स की ज़रूरत होगा। आपको इसके लिए आपको स्टिकर मेकर डाउनलोड करना होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। स्टिकर्स मेकर, इसको आपको डाउनलोड करना होगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो यहाँ से डाउनलोड करके आपको, मैं ऑलरेडी सब सेट करके रखा हूँ, इस पर क्लिक करके आपको आइकन ट्रे आइकन पे क्लिक कर लेना। जैसे आपने वहाँ पे देखा था कौन वाला मेरा पिक्चर शो होगा स्टिकर वाला आइकन में, तो ये वाला मैंने लगाया। इसके अलावा आप यहाँ पे 30 पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, नीचे में देख सकते हैं, और एटलीस्ट कम से कम 3 पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कर रखी है, और यहाँ पे ऐड ग्रीन वाला आइकन पे क्लिक करके ऐड चेंज टू व्हाट्सएप इसको कर लेना है आपको, और फिर आपको ये व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं व्हाट्सएप खोल के दिखा दे रहा हूँ, तो ये मेरी स्टिकर्स यहाँ पे शो हो रही है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियोस। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कर, हमारी एक छोटी सी ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियोस मेरी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे वीडियो से रिलेटेड, आपको कोई क्वेरीज है या आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।